दोस्तों स्वागत है आपका आज लेट्स डू पढ़ाई में। आज का टॉपिक जो है, आज चर्चा का विषय है कि वो लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, आते हैं नीचे की ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है, ये अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित विद्यार्थियों की ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने से उसके संबंध में एक सूचना आई है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि तदनुक्रम में शासनादेश ये सब लिखा है, 3 दिसंबर का ये है। लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संबंधी सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध की जा रही है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या है। लेखपाल के रिक्त पदों पर ये लिखित परीक्षा जो योजना और पाठ्यक्रम है उससे संबंधित नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि 100 कुल प्रश्न कितने होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की होगी। ठीक है, इसमें जो है वो सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास है। ठीक है, सामान्य हिंदी 25 प्रश्नों की संख्या है और अंक भी 25 है, यानी एक प्रश्न एक नंबर का होगा। ठीक है, गणित के भी 25 क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन है, ग्राम समाज और विकास के भी 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्वेश्चनों की संख्या होगी 100 और समय हो गया 2 घंटा। ठीक है, इस पर देखते हैं इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें ऋणात्मक अंक है, ऋणात्मक कितने 1/4, यानी 25% का माइनस मार्किंग है। ठीक है, अब इसमें पाठ्यक्रम की बात करें, सामान्य हिंदी में क्या क्या दिया है। सामान्य हिंदी में है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, ठीक है, लोकतियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी, आपटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये तो है इसका सिलेबस सामान्य हिंदी का, पर मैं बता दूं इसमें साहित्य नहीं दिया है, तो साहित्य भी पढ़ लें तो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन रख दिए जाएं। आगे देखें गणित, गणित का सिलेबस क्या है। गणित में अंकगणित और सांख्यिकी है। ठीक है, तो अंकगणित में क्या आता है, सांख्यिकी में ये होते हैं संचयी बारंबारता, बंटन, सारणीयन बारंबारता, वर्गीकरण, ये क्या है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये त्रिभुजों की केंद्रीय माप, ये तो है सांख्यिकी। अंकगणित से है संख्या पद्धति, ठीक है, प्रतिशतता, लाभ हानि, ये क्या है अंकगणित से संबंधित है। ठीक है, अगले आते हैं इसमें बीजगणित भी दिया है। बीजगणित में क्या क्या है, लासा मासा, ठीक है, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल की प्रमेय। ठीक है, रेखागणित से संबंधित है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये तो रेखागणित की बात हो गई। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है, सब कुछ इसमें मुझे लग रहा है सारा ही है, इसमें तो बहुत कुछ दिया है। सामान्य ज्ञान, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत का इतिहास, आंदोलन, राजव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, ये सारा होगा। ठीक है, जीके में तो जितना कुछ है सारा यही है और खतरनाक होगा सारा का सारा। ठीक है, अब कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, याद रखना है। ग्राम समाज और विकास से संबंधित की बात करें, इसमें ग्राम विकास और भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, ग्राम विकास की योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य की जो ग्राम विकास संबंधित योजनाएं हैं उनके संबंधित इसमें सिलेबस दिया है।